पता भी नहीं चला कि डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा भी दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज है सैटरडे और हमारे जो वीकेंड्स हैं ये स्टार्ट हो गए हैं और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था एग्स और अथर्व थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है क्योंकि उसके फेस में थोड़े बहुत दाने हो रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल द मॉमिशियस। तो आज है सैटरडे और अभी हम लोग सब रेडी हैं अर्थ की पीटीआई में जाने के लिए। एक्चुअली अर्थ का क्या है ना, प्री प्राइमरी में हर मंथ ही इन लोगों की पीटीआई होती है, तो एज अ पीटीआई नहीं है, जनरल इंटरेक्शन होता है बस पेरेंट्स के साथ ना। तो हर महीने वो बुला ही देते हैं कि अगर कुछ क्वेरी है तो आप आ जाइए इनकेस। तो दोनों बच्चों के साथ में जाऊंगी। तो अथर्व किम ने एक्चुअली फेस में ना काफी सारे दाने से हो रहे हैं यार, तो मैं सोच रही कि मैं उसको भी डॉक्टर पे दिखा आऊं। मेरा यही हो रहा, दो तीन दिन से मैं सोच रही थी खुद ही ठीक हो जाएंगे और कुछ ठीक भी हो रहा है, बट एक ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार। उसको थोड़ा पेन भी है उसको ना, तो मैं सोच रही कुछ ऑयलमेंट टाइप का कुछ ले आती हूँ उसके लिए। और ऊपर से अर्थ की वैक्सीनेशन भी ड्यू है एक, तो वो भी मुझे पूछ के आना है पीडियाट्रिशियन से कि कब इसको वाली वैक्सीनेशन लगवानी है। अगर वो आज ही का मतलब स्लॉट हमको दे देंगे तो फिर मैं आज ही लगवा दूंगी इसकी ना वैक्सीनेशन। तो वही है यार, तो आज भी बहुत सारे काम है यार, और सुरेश का भी आज ऑफ नहीं है, सुरेश भी ऑफिस है तो आज मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। बट दिक्कत ही होती है ना, वेदर की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है यार। ऊपर से अगर ऑटो में जाओ तो ऑटो में बहुत चक्कर मारने पड़ेंगे यार, स्कूल जाना है फिर मुझे पीडियाट्रिशियन पे भी जाना है, इस टाइप से ना तो दिक्कत होती है। बेटर है कि अपने स्कूटर में ही मैं चली जाती हूँ, बट वेदर थोड़ा साथ देना चाहिए, बस वही है। तो चलिए यार, फिर अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया हमारा और अभी 10 o'clock हो रहा है, तो हम लोग बस अब निकलते हैं थोड़ी देर में। स्कूल में पीटीआई अटेंड करने के बाद हम लोग चले गए थे पीडियाट्रिशियन पे और मौसम ने बहुत ही अच्छा साथ दिया, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। वेदर तो बहुत खराब था इस टाइम, मतलब बारिश रुकी हुई थी ना, इतने में मेरा जो ये वाला काम था ट्रैवलिंग वाला कि स्कूल से फिर मुझे डॉक्टर पे जाना था, तो ये सब मेरा बहुत ईजिली हो गया था। अथर्व के साथ अर्थ ना हर जगह कंफर्टेबल हो ही जाता है। आज डॉक्टर पे भी आया था फिर भी वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल था, क्योंकि अथर्व को भी मुझे थोड़ा चेकअप करवाना था, तो डॉक्टर ने ना पहले अथर्व का ही थोड़ा बहुत चेकअप करा, तो अर्थ खुद ब खुद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया और खुद से ही ना उसने वैक्सीनेशन लगवा भी लिया। अदरवाइज ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अर्थ के साथ, स्पेशली वैक्सीनेशन डे में उसको पकड़ना एक का मतलब मेरे अकेले का बस का नहीं होता, बट आज वो डॉक्टर के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था, तो इस वजह से जो उसकी वैक्सीनेशन थी ना वो मैंने आज ही करवा लिया। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। तो यार पूरा जो दिन था ना वो इतना ज्यादा आज बिजी हो गया ना, और वीकेंड्स के टाइम पे ना कुछ ऐसा रहता ही, और थैंकफुली आज जो वैक्सीनेशन है ना वो भी डन हो गया और अथर्व को भी मुझे दिखा ही दिया मैंने डॉक्टर पे ना। तो अथर्व को क्या है ना, एक्चुअली थोड़ा सा हीट हो रही है। मैं सही बताऊं तो दोनों बच्चों में इतना ज्यादा डिफरेंस है ना यार, दोनों ही बच्चों की डाइट ना बिल्कुल ही अलग टाइप की है। अर्थ को क्या है ना, उसको जितना गरम गरम चीजें देते ना विंटर्स के टाइम पे, मतलब इस टाइम पे मानसून में भी, तो उसको काफी सूट कर जाता है, बट अथर्व को मुझे लग रहा है कि उसके लिए थोड़ा सा गरम गरम चीजें हो गई, ऊपर से वो मैंगोज भी बहुत खा रहा है, तो डॉक्टर ने भी वही बोला कि थोड़ा सा हीट हो गई है, तो जैसे कोकोनट वाटर आप ये सब भी मतलब देते रहिए तो वो सही रहता है। और हम लोग खा ही रहे हैं मैंगोज, कितने टाइम से चल ही रहा है मैंगोज ना, थोड़ा सा गर्मी हो गई है आई थिंक अथर्व को, बट और थोड़ा सा ऑइंटमेंट वगैरह दिया है बस डॉक्टर ने अथर्व को लगाने के लिए। और अर्थ तो इतना सही रहा आज वैक्सीनेशन, उसको पता भी नहीं चला कि डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा भी दिया और ना कुछ नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ होगा कि मतलब वो डॉक्टर पे गया और उसने बिल्कुल भी अब जो क्रैंकीनेस होती है वो नहीं दिखाई, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था और बहुत सही लगा मुझको ना, वरना वो इतना मतलब अकेले मेरा अकेले ना मतलब मुझसे नहीं वो हैंडल होता हो पाता है, स्पेशली वैक्सीनेशन वाले दिन तो हमेशा सुरेश ही साथ में जाते हैं, तो आज भी ना मैं श्योर नहीं थी कि उसके मैं वैक्सीनेशन लगवाऊंगी या नहीं, बट वो वहां पर कम से कम कंफर्टेबल था, तो चलो ठीक है आज ये वाला जो काम है ना मेरा ये भी हो गया है। इस बार के जो मेरे वीकेंड्स ये रहे हैं ना, ये बहुत
बहुत ही ज्यादा बिजी रहे हैं, तो घर का यार कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो बस ये जो क्लीनिंग वगैरह होती है ना किचन की, ये भी आज मैं इवनिंग में ही कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग से ना इतना भागा दौड़ी होती है ना कि बच्चों को रेडी करना, उनको कहीं कहीं पे कहीं पर भी अगर आप बच्चों को लेकर जाते हैं ना आउटडोर, तो पहले तो बच्चों को रेडी करना, उनको खिलाना पिलाना अच्छे से, तो ये सब इतना ज्यादा टाइम टेकिंग होता है ना कि अपना जो काम होता है ना किचन का यार वो कुछ हो ही नहीं पाता। तो सारे काम ना मैंने इवनिंग में ही करे थे, और छोले मैंने बस मॉर्निंग में भिगो दिए थे क्योंकि मुझे था कि मैं रात को छोले बनाऊंगी। तो और इस टाइम पे अथर्व थोड़ा बहुत अपना जो रिटर्न होमवर्क था वो खुद से ही वो कर रहा था। आज ना घर आने में काफी ज्यादा लेट भी हो गया था, जिसकी वजह से ना मैंने दिन में सिंपल खिचड़ी बनाई थी। तो अथर्व भी होता है ना, जब हॉलीडे होती है तो बच्चों को भी रहता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनाए मम्मा, बट आज बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से ना फिर मैंने छोले ही भिगो दिए थे। और दिन में ना बस ऐसे ही मैंने भी ढंग से मतलब प्रॉपर तरीके से ना खाना नहीं खा रखा था मॉर्निंग से ना, बस ऐसे ही चलते फिरते जैसे जो बच्चों के संग खाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही था। तो इस टाइम पे बस मैंने अपने चाय रखी थी। तो ग्रीन टी तो ना मैं आजकल थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है पीना, तो ना मैं जीरे का पानी या फिर इसमें कभी दालचीनी ऐड करके ना तो इसी टाइप से मैं कभी बना लेती हूँ अपने लिए ना। और इस टाइम पे अर्थ बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, वो आज बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहा था, तो दिन में उसने खाना वाना खा के वो अच्छी अपनी नैप ले रहा था। छोले रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और साथ में मैं बना रही हूँ पोहा, क्योंकि यार बहुत ही बढ़िया वेदर हो रहा है बाहर, और अपने और अथर के लिए मैंने बना दिया है बस ये पोहा। अर्थ होता ना क्योंकि अभी भी सो ही रहा है। अर्थ ना इवनिंग में काफी ज्यादा लेट उठा था, वो 7 or 7:30 के अराउंड उठा था, तो मुझे लगा था कि मैं उसको कोई भी स्नैक नहीं दूंगी, तो सिंपल मैंने उसको बिस्किट्स ही दिए थे। और उसके बाद मैं डायरेक्टली मैंने डिनर की प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि क्या होता है ना इस टाइम पे अगर उसको कुछ हैवी स्नैक दे दो तो फिर वो खाना नहीं खाता, और उसका जो पूरा रूटीन है ना पूरा गड़बड़ हो जाता है। सो बेटर है कि मैं जो उसको स्नैक है ना वो मैं उसको डिनर के बाद दूंगी। तो मैं इसी टाइप से ही करती हूँ बच्चों का, अगर बच्चों का जैसे जो स्नैक टाइम होता है ना वो निकल जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको उनको स्नैक कम से कम दिया जाए, जिससे कि प्रॉपर बच्चे जो है ना अपना वो खाना खा ले। तो यहाँ पर बस मैंने जो छोले हैं वो बना दिए थे, तो पहले तो ना यही प्लान था कि मैं भटूरे बनाऊंगी, क्योंकि अथर्व ना जब भी छोले बनते हैं ना तो उसको बस यही होता है कि बस भटूरे ही खाने। बट एक दिन पहले भी ना हम बर्थडे पार्टी में गए थे तो वहां भी छोले भटूरे ही खाए थे, तो मुझे लगा यार अभी कल ही खाएं, तो फिर आज मैंने कोशिश नहीं करी। तो राइस भी इतने अच्छे नहीं लगते हैं अथर्व को, तो मुझे लगा मैं सिंपल बस जो अजवाइन वाली पूरी आती ना बस मैं उसी का ही आटा लगा लूंगी। यहाँ पर ना छोले मैंने थोड़े सूखे सूखे ही रखे थे, क्योंकि पूरी में खाने के लिए रखे थे, मैंने कोई ग्रेवी वगैरह इसमें ज्यादा नहीं करी थी। साथ साथ मैंने पूरी का आटा भी लगा दिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा मैं मोयन करती हूँ और थोड़ा सा इसमें अजवाइन और सॉल्ट आप ऐड कर दो तो बहुत ही अच्छा सा ये आटा गुन जाता है, और फिर उसके बाद बहुत ही टेस्टी पूरी बन जाती है। तो अर्थ को तो ना खाली पूरी भी अच्छी लगती है, अगर सॉल्टेड पूरी उसको ऐसी खाली भी दे दो तो भी उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है पूरियाँ ना। इस बार के जो हमारे वीकेंड्स गए हैं ना वो बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह का मैंने कुछ भी ज़्यादा काम नहीं किया है, तो जो मेरा जो वीकेंड जो गया है ना बस वो आज बच्चों का मतलब डॉक्टर पे या फिर पीटीआई में ही निकल गया है। एक्टिविटीज़ का बहुत सारा क्राफ्ट वर्क भी था वो मैंने नहीं करा, और इस टाइम पे बस मैं बच्चों का ही जो बैग है वो सेट कर रही थी। तो आजकल ना अर्थ को भी थोड़ा बहुत होमवर्क मिलने लगा है, उसको अल्टरनेट डेज में या फिर 2 दिन में एक बार उसको थोड़ा बहुत होमवर्क मिलता है, कोई ना कोई उसे जो वर्क बुक्स हैं वो घर के लिए मिलती हैं। बट हाँ वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है अपना होमवर्क करने के लिए, अपनी बुक्स देख कर कुछ लाइन्स वगैरह वो आजकल कर रहा है, स्लांटिंग लाइन्स स्लीपिंग लाइन्स यही सब वो पढ़ रहा है आजकल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है वो ये सब करने में। और अथर्व को देखते देखते ना वैसे वो खुद ही बड़ा भी हो गया है, मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो कलर्स वगैरह सब कुछ ये लाइंस के अंदर करने लग गया और कब वो इतना ज़्यादा शैबिली कलर्स करता था। अथर्व बस यहाँ पर अपना दिखा रहा था स्कूल में जो उसका फिजिकल एजुकेशन में आजकल जो चल रहा है ना वही सब वो दिखा रहा था मुझको।
थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद दोनों बच्चे बिजी हो गए थे टीवी में और मैं आ गई थी किचन में, तो बस मैंने फटाफट से बस पूरियां बना दी थी और मैंने ना एक साथ ही बना दिया था जिससे पूरी फैमिली एक साथ बैठकर डिनर कर ले तो काफी अच्छा लगता है। किसी किसी दिन ना ऐसा हो जाता है, अदरवाइज तो मेरा किचन का इतना काम रहता है ना कि मुझे लगता है कि चलो पहले मैं सबको खाना खिला देती हूँ उसके बाद ही मैं खाऊं। बट हाँ वीकेंड्स पे मैं ट्राई करती हूँ कि सब एक साथ ही खाना खा लें तो काफी अच्छा रहता है। आज हम लोगों ने डिनर भी ना काफी लेट ही किया था और वीकेंड्स पे ऐसा भी नहीं रहता मुझे कि कुछ टाइम से करना है, सारे काम जो है ना वो आराम आराम से ही हो रहे थे मेरे। हमारा जो वीकेंड है ये खत्म हो गया है और इस व्लॉग को भी बस मैं यहीं पर ही एंड करूंगी। आई बच्चों का बस बेड टाइम भी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।